मार। किधर गई? कर चल गई। तो ये जो मैंने अभी लेंस लगाया हुआ है, तो ये है वाइड एंगल लेंस। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल? ठीक ठाक। तो अभी तकरीबन एक बज चुका है। तो आज वैसे मेरा प्रोग्राम था फैसलाबाद जाने का, तो सुबह उठा हूँ, कपड़े वगैरह मैंने चेंज कर लिए। तो जब मैंने बाहर देखा तो काफी ज्यादा बारिश हो रही थी, तो जिसकी वजह से फैसलाबाद जाने का प्रोग्राम हो गया कैंसिल। ब्लॉग बन जाना था फैसलाबाद का, लेकिन फैसलाबाद जाने का तो प्रोग्राम हो गया कैंसिल। फिर मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए। अभी तो फिलहाल सारा सूख चुका है, तो ये सीढ़ियां भी गिली हुई है और बाहर भी काफी ज्यादा कीचड़ हुआ पड़ा है सड़कों पे, काफी ज्यादा सर्दी हुई है, हवा भी ठंडी चल रही है। तो मैंने कहा फैसलाबाद गया ही जाना, कपड़े भी गीले होंगे और सर्दी भी लगेगी, ऐसे कोई बुखार ना हो जाए। तो हमारा इंशाल्लाह प्रोग्राम जो है वो नेक्स्ट चला गया, तो देखेंगे कब जाएंगे। वैसे आज मेरा था कि आज बाहर निकलेंगे तो व्लॉग करेंगे, तो मुझे पता है कि मेरे जो आजकल व्लॉग्स आ रहे हैं तो काफी ज्यादा बोरिंग व्लॉग्स आ रहे हैं, तो घर के अंदर ही व्लॉग्स बनाए जा रहा हूँ। और जो व्लॉगिंग लाइफ है तो वो इस तरह होती नहीं है कि व्लॉगिंग के लिए बाहर निकलना पड़ता है और मुख्तलिफ जगहों पर जाना पड़ता है, तो फिर ये व्लॉगिंग होती है, घर में कोई व्लॉगिंग होती नहीं। वैसे तो मुझे पता है आप बहुत ज्यादा बोर हो रहे हैं, तो मैं खुद भी बहुत ज्यादा बोर होता हूँ व्लॉग दे रहे वक्त और एडिट करते हुए, लेकिन मजबूरी है। बस अपने आप को पुश ही करी जा रहा हूँ ताकि मैं ब्लॉग्स जो है वो डालता रहूँ। कोई नहीं, आजकल जो दिन चल रहे हैं तो इंशाल्लाह अच्छे दिन भी आएंगे, इसी उम्मीद में कोशिश जारी है मेरी बहुत ज्यादा। मुझे पता है कि ब्लॉग्स को जो है मेरे काफी ज्यादा बोरिंग है, तो मैं खुद भी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ उनको लेके। जहाँ मैं अपने पिछले ब्लॉग्स देखता हूँ तो काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं, जो आजकल मैं ब्लॉग्स बना रहा हूँ इनसे तो काफी ज्यादा बेहतर थे। तो अभी मैं जो खुद नहीं समझ आ रही, मैं अपना ब्लॉग खुद भी देख रहा, जो सूरत हालत पता चली है। तो आप देख रहे हैं तो आपकी काफी ज्यादा आपका शुक्रिया, और आप लाइक भी करते हैं, तो जितने भी लोग लाइक करते हैं उनका शुक्रिया, और जितने देखते हैं और लाइक नहीं करते या छोड़ देते हैं तो उनका भी शुक्रिया, क्योंकि वो क्लिक तो करते हैं ना। तो अभी फिलहाल हो रहा है खाने का टाइम, तो खाना ही खाते हैं। आप भी कह रहे हो कि रोजाना खाना खाता है, और बस जो रूटीन मेरी चल रही है मैं वही बताऊंगा, तो खाया पिया सोए उठ गए, खाया पिया सोए उठ गए, तो वही रूटीन चल रही है। एडिटिंग होती है वो चल रही है। तो फिलहाल जो दिन मैं गन्ने लेके आया था तो वो दो गन्ने रह गए, तो अभी गन्ने मैं चूस ही नहीं रहा। बाहर आपको दिखाता हूँ क्या सूरत हाल है सड़कों की, तो इस तरह की सूरत हाल है बाहर। और ये जो हमारी सीढ़ियां हैं ये भी गीली हैं मुकम्मल तौर पे। तो अभी ठंड जो है काफी ज्यादा हो गई है आज फिर। तो आज अभी इस पे जो पकड़ा है बिरयानी पकड़ी है, तो अभी पता नहीं क्या बन रहा है। अभी बिरयानी का जो मसाला है वो पकड़ा है, और इस साइड पे अभी शलजम है वो पकड़े हैं, तो मैं दिखा नहीं सकता। बहुत ज्यादा गर्म है, तो ये पकड़े हैं यहाँ पे शलजम। तो अभी मैं अब अबू जी को लेके जाने लगा हूँ बाहर, तो मैंने कहा आपको सड़कों का हाल भी दिखा दूँ। तो इस तरह की सड़कें हुई हैं, और ये बच्चे भी मेरे पीछे खड़े देख रहे हैं कि ये भाई क्या कर रहा है, तो यहाँ पे खड़े देख रहे हैं। तो अभी मैं अबू को लेके जाने लगा हूँ। तो अभी मैंने जैकेट जो है वो अपनी चेंज कर ली है, तो ये थोड़ी सी गर्म है लेकिन इसके स्लीव नहीं है, तो बाजुओं को ठंड लगेगी, दर्द जो है वो बचारेगा। तो जो मैंने कैप है अपनी टोपी है, तो वो मैंने दो पहन ली है, डबल कर ली है, तो ठंड से जितना बचा जा सकता है बचना चाहिए। तो अभी वो बाहर इंतजार कर रहे हैं मेरा, तो अभी चलते हैं। अभी हम आए हुए हैं अनाज मंडी में, तो ये पीछे मेरे सारा अनाज है, तो जो कि बारिश की वजह से उन्होंने तिरपाल डाल के ढक दिया है सारा। तो ये देखें बारिश हुई है, यहाँ पे पानी भी खड़ा है, और ये सारा अनाज है जो कि उन्होंने तिरपाल डाल के ढक दिया है, हर तरफ तिरपालें डाली हुई हैं और सारा जो है वो ढक दिया हुआ। आप मौसम भी देख सकते हैं, बादल भी हुए हैं और थोड़ा सा धुंधला धुंधला भी है, तो काफ़ी ज़्यादा ठंड हुई हुई है आज। वहाँ पे चिड़िया परिंदे जो है वो अनाज खा रहे हैं वहाँ पे। तो ये जितना भी अनाज है सारा ढका हुआ है, सारा ढका मकई है मेरे ख्याल यहाँ पे, तो सारी ढकी हुई है। और ये देखें ये ट्राली से अभी मकई उतार रहे हैं, अभी आया कोई ट्रैक्टर तो मकई यहाँ से उतार रहे हैं, तो ये सारी मकई है जो ढकी हुई है उन्होंने, और ये ताज़ा ताज़ा मकई वो उतार रहे हैं अभी। सड़कों के हाल देखें कितना ज़्यादा कीचड़ है, जो हवा पड़ा है यहाँ पे, तो बारिश हो ठीक खत्म हो गई लेकिन ये कीचड़ बहुत ज़्यादा हो जाता है सड़कों पर। बिरयानी पक गई है, तो अभी मैं खाने लगा हूँ बिरयानी। Ha ha ha।
किधर गई? घर चल गई है। अभी बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे, मैंने खेलने की कोशिश की है, मेरे से तो खेला नहीं गया। अब बच्चे ने खेला, उसने गेंद ही है जो है गुम कर दी। मिल गई? नहीं मिली। कहाँ गई? घर गई। अच्छा, अभी तकरीबन 4 बज गए और मैं अपने रूम में बैठा अभी एडिटिंग कर रहा था। तो अभी मैं बाहर निकला हूँ, तो जो मैंने देखा तो आपको भी दिखाता हूँ। बाहर हो रही है जी बारिश दोबारा से, तो ये आप सीढ़ियाँ देख सकते हैं, गिली हुई पड़ी हैं। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा अंधेरा किस्म का हुआ हुआ, और जो बारिश है वो भी हो रही है। तो अभी मैं जा कर नीचे चाय पीने लगा हूँ। आप लोग ये बताएं कि इस तरह की जो मौसम है, सर्दी हो, बारिश हो, और बाहर सड़कों का हाल भी आपने देख लिया है, तो इस तरह की सर्दी में बंदा क्या ही ब्लॉग करे। फिर भी हिम्मत है कि मैं करी जा रहा हूँ। तो अंधेरा भी काफ़ी ज़्यादा हो गया वैसे अभी। तो अभी लाइट भी चली गई है, तो मैं अभी कंप्यूटर बंद करने आया था अपना। अभी मैंने अपना ये यूनिवर्सिटी बैग निकाला है, तो उसके अंदर से ये वाला मेरा बैग है, पाउच छोटा सा। तो इसके अंदर से ये लेंसेज थे जो उस्मान भाई चाइना से लेके आए थे। तो मैंने कहा क्यों ना अभी इसका इस्तेमाल करके देखें कैसा जो है रिजल्ट आता है। अगर इनका रिजल्ट अच्छा हुआ तो ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं वाइड एंगल के लिए। इसमें एक वाइड एंगल लेंस है, इस एक वाइड एंगल लेंस है, और दूसरा जो है वो फिश आई है। तो देखते हैं कौन सा अच्छा है, तो इस्तेमाल करके देखते हैं, आपको भी साथ ही बताते हैं। तो एक ये है, ये कौन सा है? मेरा ख्याल वाइड एंगल है, पता नहीं कौन सा है, और एक दूसरा लेंस है। तो ये मेरा ख्याल वाइड एंगल लेंस है, ये वाला नहीं, ये वाला है फिश आई लेंस। तो अभी इसे नहीं, पहले इसे लगा के देखते हैं, फिर इसे लगा के देखेंगे क्या फर्क महसूस होता है। हाँ जी गाइस, तो ये जो मैं अभी लेंस लगाया हुआ है, तो ये है वाइड एंगल लेंस। तो अभी मैंने जो है सेल्फी स्टिक है वो भी साथ यूज कर रहा हूँ। अगर मैं हैंड के साथ इसे यूज करूँ तो इस तरह ये वाइट एंगल लेंस है। तो वैसे यार काफी ज्यादा अच्छा आ रहा है, काफी ज्यादा वाइट एंगल आ रहा है, तो ये भी यूजफुल चीज है मुझे लग रहा है। लेकिन इसमें जो आपको नजर आ रहा होगा ये राउंड सी शेप कॉर्नर से, ये थोड़ा सा मसला है, बाकी बिल्कुल राउंड जो है वो आ रहा है। थोड़ा से सेट करके देखते हैं, नहीं ये इतना थोड़ा सा आएगा, लेकिन ये काफी ज्यादा अच्छा जो है वो लेंस साबित हुआ। तो ये इस्तेमाल कर सकते हैं हम अपनी वीडियोस में। तो मैं कोशिश करूंगा अगर एडिटिंग में ये मैं कर्व्स खत्म कर सकूं तो इसे भी खत्म करेंगे। तो एक तो ये लेंस हो गया, अभी मैं दूसरा लेंस लगा के देखता हूं कि उससे क्या फर्क महसूस होता है। तो अभी जो मैंने लेंस लगाया है ये थोड़ा सा गंदा लग रहा है मुझे, ये फिश आई लेंस है, इसे फिश आई लेंस कहते हैं। तो आप देख सकते हैं इससे ऐसा लग रहा है जैसे ना वो राउंड सा हो, उस तरह का लग रहा है। तो ये भी इफेक्ट डालने के लिए अच्छी चीज है ये, वैसे यार मैं इस्तेमाल किया करूंगा आगे से इसे। तो ये बंदा इफेक्ट डाल सकता है सिनेमैटिक शॉट्स में, तो ये भी काफी अच्छा लगा मुझे लेंस। तो ये वीडियो मेरे ख्याल से आज वाली जो वीडियो, वैसे मैं आपको अभी दिखाता हूँ बगैर लेंस से कैसा होता है। ये जी बगैर लेंस के साथ जो आ रहा है, अभी लेंस लगा के दिखाता हूँ। तो इस तरह का आ रहा है जी लेंस लगा के, तो इफेक्ट अच्छा डल सकता है इससे। तो आपको उम्मीद है आज वाली वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आज वाली वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। तब तक रहिए, अल्लाह हाफिज़।